दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे डेटा एंट्री के बहुत सारे वर्क ओपन कर रखे हैं। आप यहाँ पहला देख सकते हो एंटर डेटा इनटू ओपन कार्ट, ये काम आया हुआ है। ये है बिल्कुल फिक्स्ड प्राइस का और ये है अंडर $250 का। मतलब अगर $250 को मैं यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ इंडियन करेंसी में, तो आप देख सकते हो लगभग 18,000 रुपये यहाँ पे बनते हैं, जो कि बिल्कुल फिक्स्ड है। और काम क्या करना है आप लोगों को, सिंपल डेटा एंट्री का काम करना है और कॉपी पेस्ट का काम यहाँ पे करना है। और ये देख सकते हो आपकी 100% ये वेरीफाइड है, ठीक है। उसके बाद आप लोग थोड़ा नीचे आओगे तो ये देख सकते हो डेटा एंट्री एक्सेल का काम है, ये भी एक अलग से एक काम दिया हुआ है, ये भी फिक्स्ड प्राइस है। और इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पे प्राइस देख लो, जो पेमेंट आप लोग को मिलेगी वो है $1,000 से लेके $2,500। अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं इंडियन करेंसी में, तो दोस्तों आप देख सकते हो लगभग 1,87,000 रुपये इंडियन करेंसी आप लोग का यहाँ पे बैठता है। और काम क्या करना है दोस्तों, डेटा एंट्री से काम करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट पर आप लोग को बस यहाँ पे काम करना है। तो ये दोस्तों आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी खासी यहाँ पे आप लोग को अमाउंट दी जा रही है, क्योंकि बाहर की भी कंपनियां हैं, बाहर के क्लाइंट्स हैं, तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे अर्निंग होती है। और नीचे स्क्रॉल करोगे तो दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे सैकड़ों जॉब्स आप लोगों को, सैकड़ों वर्क जो है आप लोगों को डेली यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, कोई काम की यहाँ पे कमी नहीं होती है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माई चैनल, मैं हूँ मोहम्मद तंजीम। दोस्तों आज जो मैं डेटा एंट्री का काम बताने वाला हूँ, उसमें कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है। बस आप लोग को ये होना चाहिए कि आप लोग 16+ ईयर्स एज के हो, मतलब 16 साल से ज्यादा आप लोग हो, तो आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हो और अर्निंग यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग देखिए 10th पास हो नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग अपने सिंपली अपने मोबाइल से मोबाइल को उठाना है, स्मार्टफोन हो चाहे जो भी हो, वहाँ पे उठा के आप लोग को 2 से 4 घंटे आप लोग को उसमें काम करना है, घर बैठे ही करना है। तो अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो बिल्कुल आप ये काम कर सकते हो दोस्तों, आप लोग अपना पढ़ाई के अलावा 2 से 4 घंटे आप लोग बैठो और ये काम आप लोग अच्छे से कर सकते हो। टाइपिंग करना है, डेटा एंट्री का शीट फिल करना है, ये ऐसे सारे काम है जो मैं आप लोग को बताऊँगा। उसके अलावा दोस्तों हाउस वाइफ और लेडीज़ जो हैं वो जो काम में बिजी रहती हैं, उनके वो जो है अपना काम करके 2 घंटा या फिर 3 घंटा जो अपना टाइम अपना निकाल लेंगे तो भी ये काम कर सकते हैं। इसमें कोई लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप लोग अपने मोबाइल से भी वो चीज़ ओपन करके यहाँ पे काम कर सकते हो। और पेमेंट भी बहुत अच्छी खासी मिल जाती है दोस्तों, मैं पूरा का पूरा प्रोसेस आप लोग को बताऊँगा, तो बस बने रहिएगा मेरे साथ पूरे वीडियो में। बस 5-6 मिनट अपने दे दीजिएगा, बिना स्किप किए पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं सब कुछ A to Z। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा जो सेकेंड चैनल है, यहाँ पर जॉब्स A to Z, आप लोग वहाँ पर जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली के डेली जॉब अपडेट्स बताता रहता हूँ। तो क्या पता दोस्तों आप लोग का जॉब वहाँ भी मिल जाए, तो दोस्तों जल्दी से जाके वहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पे मेरे इस लैपटॉप स्क्रीन पे आप देख सकते हो दोस्तों कि मैंने guru.com वेबसाइट यहाँ पे ओपन की हुई है और बिल्कुल ट्रस्टवर्दी और जेन्यून वेबसाइट है दोस्तों। आप लोग गूगल में रिव्यू करके जो भी है वहाँ पर आप लोग सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग को काम कैसे करना है, जल्दी से मैं आप लोग को यहाँ बता देता हूँ। आप लोग को देखिए यहाँ पर डेटा एंट्री का काम करना है, यहाँ पर आप लोग चाहे तो आप लोग को एक्सेल शीट में कोई डेटा वहाँ पर टाइप करना होता है, ठीक है, या तो आप लोग को कभी कोई जो बैंक अकाउंट का डिटेल दिया जाता है उसको आप लोग को लिख के टाइप करना होता है, चाहे वर्ड में चाहे एक्सेल शीट में करना होता है, चाहे कभी कभी आप लोग को कोई इमेज दे दिया जाता है उसमें से आप लोग देख के उसमें टाइप करते हो और डेटा एंट्री वहाँ पे करते हो, ठीक है। तो बस इतना सा काम रहता है। आप कैसे इसमें काम करेंगे आप यहाँ देख सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पे साइनअप का प्रोसेस जान लेते हैं दोस्तों। तो साइनअप यहाँ पे है राइट हैंड कॉर्नर पर, इस पर क्लिक करेंगे आप और यहाँ पर आप लोग को अपना फुल नेम और ईमेल आईडी यहाँ पे देना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से लिख लेता हूँ। अब दोस्तों ईमेल आईडी लिखने के बाद आप लोग को यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके इसको प्रोसीड कर देना होता है, ठीक है। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों आप लोग से पूछेगा कि आप लोग एम्प्लॉयर हो या फिर आप लोग फ्रीलांसर हो, तो हम फ्रीलांसर हैं, फ्रीलांसर पे इसको क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप लोग को अपना पासवर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होता है, चूज कर लेना होता है। तो पासवर्ड दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना होता है। अब दोस्तों आप लोग के पास एक 4 डिजिट का कोड आ जाएगा आपके ईमेल आईडी पे, जो आप लोगों ने ईमेल आईडी दिया था, तो आप लोग को यहाँ पे फिल करना है। मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों कोड मैंने फिल कर लिया और इसको वेरीफाई कर लेते हैं और ये वेरीफाई पे मैंने इसको क्लिक कर दिया है। अब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों आप लोग को अकाउंट सिक्योरिटी का यहाँ पे कुछ पूछता है, इसको आप लोग को सिंपली स्किप फॉर नाउ कर देना होता है, ठीक है। स्किप फॉर नाउ मैंने क्लिक कर दिया। अब आप लोग को एक छोटा सा आप लोग को प्रोफाइल यहाँ पे बनाना होता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे फोटो अपलोड करनी होती है, आपका अपना नाम यहाँ पे लिखना होता है, उसके बाद आप लोग को अपना एड्रेस, कंट्री, स्ट्रीट, सिटी वगैरह यहाँ पे करके आप लोग को कंटिन्यू करना होता है, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 स्टेप आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे देखिए अपलोड फोटो है, तो मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ अपना फोटो, ये जरूरी होता है दोस्तों। तो यहाँ पे इस तरीके का अपलोड जब होगा दोस्तों, तो आप लोग को क्रॉप करना पड़ता है, इसको इस तरीके से खींच के अपना फोटो जो है इसके ब्लॉक के अंदर आप लोग यहाँ पे ला सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ मैंने यहाँ पे करके इसको सेट कर दिया और यहाँ पे डन कर दिया, ठीक है। अब ये डन हो गया, मेरा प्रोफाइल फोटो जो है यहाँ पे सेट हो रहा है और यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे आ चुका। अपना नाम यहाँ पे चेक कर लेना है और इसके बाद आप लोग को अपना एड्रेस यहाँ पे लिख लेना होता है, तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये एड्रेस हो गया। उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाएंगे, अपना जिप कोड है, वो जिप कोड आप लोग अपना यहाँ पे डाल सकते हो।
ठीक है। उसके बाद टाइम जोन, तो टाइम जोन दोस्तों आप लोग को, अगर आप लोग इंडिया के हो तो आप लोग को इंडिया का अपना टाइम जोन यहाँ पे सेलेक्ट करना है, अदरवाइज दूसरे कंट्री को हो तो उस हिसाब से आप लोग को करना है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आप लोग का प्रोफाइल जो है हो चुका है। अब आप लोग को यहाँ पे ऊपर जो आपका आइकन दे रहा है प्रोफाइल फोटो, वहाँ पे क्लिक करके एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कुछ चीज़ें और मांगी जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हो आपका नाम है, वेबसाइट लिंक वगैरह आप लोग को छोड़ देना है अगर है तो भी, आप तभी आप लोग को यहाँ पे लिखना है, ठीक है, वरना नहीं। उसके बाद नीचे आएंगे, देखिए आई एम एन इंडिविजुअल, ये आप लोग को लिखना है। टैग लाइन, बायो और वर्क टर्म्स, ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान से सुनना। टैग लाइन्स में आप लोगों को अपना टाइटल लिखना है कि जैसे कि मैं डेटा एंट्री ऑपरेटर हूँ, तो ये मैं लिखूंगा, अभी मैं लिख के आप लोग को बताऊंगा। बायो में दोस्तों आप लोग को पूरी की पूरी चीज़ लिखनी है जो आप लोग को आता है। डेटा एंट्री ऑपरेटर हो आप लोग, वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्ट कर लेते हो, टाइपिंग स्पीड फास्ट है आप लोग की, कितना आप लोग काम करते हो, सारी चीज़ें आप लोग को लिखना है जो मैं अभी आप लोग को बताऊंगा। वर्क टर्म्स में आप लोग को अपना कितना डेली आप लोग काम कर सकते हो, कितना आप लोग पेमेंट लोगे, कितना एक्यूरेसी से आप लोग करोगे, ये सारी चीजें लिखनी होती है आप लोग को यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से लिख लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख लिया पूरा का पूरा चीज, यहाँ पे एक एक चीज लिख ली, आप लोग इसमें घटा या बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से। मैं लिंक, मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोग को ये पूरा चीज दे दूंगा, तो आप लोग यहाँ से एज इट इज कॉपी कर सकते हो या फिर उसमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, कुछ अटैच फाइल्स एंड वीडियोज हैं, ये आप लोग तभी अटैच करिएगा अगर आप लोग पहले कोई काम कर रखे हैं और उसका कोई सैंपल है आपके पास, तो आप लोग उसकी फोटो यहाँ पे अटैच कर सकते हो, या पीडीएफ है कोई वो अटैच कर सकते हो, या कोई मीडिया है आपके पास, कोई भी MP4 वीडियो है या फिर कोई लिंक है वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। अदरवाइज कुछ नहीं करना है, सेव कर देना है। अब यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेव हो चुका है, अब यहाँ पे आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आप लोग को यहाँ पे काम कैसे ढूंढना है, तो ऊपर आप देख सकते हो फाइंड वर्क है, इस पर आप लोग को क्लिक करना है, और यहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन है यहाँ पर आप लोग को जाकर यहाँ पर लिख देना है डेटा एंट्री, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, इसको क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपके सामने बहुत सारे जॉब्स और वर्क्स आप लोग के सामने यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो सपोज आप लोग को कोई भी इसमें से काम पकड़ लेना है, सपोज मैंने ये वाला काम जो है डेटा एंट्री एक्सेल वाला यहाँ पे जो है पकड़ लिया, ठीक है। अब इसको जो है हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे सेंड अ कोट है, इस पर हम लोग को सेंड अ कोट पे आप लोग को क्लिक करना है। अब यहाँ वेरीफाई नाउ पे कुछ पूछेगा, ये कुछ नहीं करना है आप लोग को, स्किप फॉर नाउ कर देना होता है। अब यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये यह है कि आप लोग को स्कोप ऑफ वर्क लिखना है, यहाँ पे वो चीज़ लिखनी है दोस्तों जो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, क्या जॉब्स का डिस्क्रिप्शन है, क्या काम मांग रहा है, और उसके बारे में आप लोग बताओगे कि मैं कैसे करूंगा इस काम, उसी से रिलेटेड होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये जो क्लाइंट है वो यही चीज देखेगा कि आप मेरे काम को कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं आप लोग को लिख के दिखा देता हूं। तो यहां पे दोस्तों मैंने यहां पे कोट लिख दिया, इसको सही कर दिया मैंने, यहां पे ये प्रोजेक्ट हो गया। आप लोग चाहे तो इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो या फिर घटा बढ़ा सकते हो, मैं नीचे यहां पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद कोई काम आप लोगों ने पहले किया है तो अटैच कर सकते हो वर्क, अदरवाइज कुछ नहीं, इसको यहां पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहां पे सबमिट कोट है, इसको सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपका यहां पे सबमिट हो चुका है, मतलब ये चीज पहुंच चुकी है उस क्लाइंट के पास जिसने ये काम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी तरीके से दोस्तों काफ़ी सारे लोग और भी हैं जो इस पर जो है सबमिट कोट करते हैं, कई लोग यहाँ पे करते हैं, उसमें से जिसका प्रोफाइल इसको अच्छा लगता है उसको डायरेक्टली यहाँ पे आप लोग को अपने मेल पे मेल करता है वो, या फिर यहाँ पे चैट का भी ऑप्शन है, चैट आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेन जो टिप्स है दोस्तों, या फिर यही चीज़ है कि आप लोग सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है 100%, उसके बाद जो चीज़ आप लोग लिख रहे हो वो बहुत अच्छी तरीके से लिखना, सारी की सारी चीज़ उसमें लिख देनी है कि आप लोग कितना काम कर सकते हो, टाइपिंग कर सकते हो, जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ भर भर के लिख देनी होती है। तीसरी चीज़ दोस्तों ये है कि आप लोग को नया नया डेली आप लोग को यहाँ पे अपडेट चेक करते रहना होता है। आप लोग को जो लेटेस्ट जॉब है दोस्तों, जो सर्च रिजल्ट में सबसे टॉप पे आता है लेटेस्ट, उसी को पिक करके करना होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें कंपिटेंसी और कंपटीशन कम होता है, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है पेमेंट की, पेमेंट कैसे करना है, तो आप लोग पेमेंट कैसे लेंगे, तो यहाँ देखिए ऊपर पेमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफर मेथड्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इतने सारे यहाँ पे मेथड्स आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो पेपाल अकाउंट है, मैं रिकमेंड यही करूँगा दोस्तों, पेपाल अकाउंट बहुत ही आसान होता है, जैसा कि फ़ोनपे और पेटीएम होता है। ये अब्रोड कंट्री से आप लोग के इंडियन करेंसी में यहाँ पे बैंक में पैसे आप लोग के ला के दे देता है। कैसे अकाउंट को ओपन करना है दोस्तों, 2 मिनट का काम है, यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है, यहाँ पे भी दे दूंगा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप लोग क्लिक करके देख लेना, वहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का काम है दोस्तों, आप लोग अपना अकाउंट वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अब दोस्तों बात आती है कि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि इसमें कई लोग फ्रॉड वाले भी होते हैं जो पैसे मांगते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग उसमें फंस जाते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसा कुछ है जो भी यहाँ पे काम में आप लोग से पैसा मांगता है, बिल्कुल उसको नेग्लेक्ट कर देना है, अवॉइड कर देना, उससे कोई भी इंटरेक्शन नहीं रखना है, क्योंकि इसमें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो काम आते हैं वो आप लोग से पैसा नहीं मांगेंगे, जो जेन्युइन काम होते हैं। अगर कोई कोई पैसा मांगता है, जो फर्जी यहाँ पे काम डालता है, उससे आप लोग को सावधान रहना है, उससे कोई भी पैसा नहीं देना है आप लोग को, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, शेयर करो दोस्तों जल्दी से अपने उन दोस्तों के साथ जो चाहते हैं कुछ करना अपने लाइफ में और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उन लोगों के साथ शेयर करो ताकि आप लोग का भी फायदा हो दोस्तों और उनका भी भला हो। तो दोस्तों
एक लाइक ज़रूर मार देना इस वीडियो पे। और अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, नए आ रहे हो इस चैनल पे, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो दोस्तों नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर दबा देना, और साथ ही जो नोटिफिकेशन बेल है बगल में उसको भी ऑन कर देना, क्योंकि ऐसी 100% जेन्युइन ऑनलाइन अर्निंग्स मैं आप लोगों के सामने लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।